हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और मैं इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बात करने वाला हूँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे नेट में कम से कम 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं मिनिमम। पार्ट सी में अगर आप जाओगे 4 to 5 क्वेश्चन और पार्ट सी बी में अगर आप जाओगे दैन एटलीस्ट 3 क्वेश्चन। सो इट्स ह्यूज वेटेज और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी एक ऐसा फैक्टर हो जाता है एग्ज़ाम के रिजल्ट में जो आपको या तो टॉप पे पहुंचा सकता है या तो आपको बॉटम पे भी ला सकता है। सो इस सब्जेक्ट को समझना बहुत ही आसान है और ज़रूरी भी है। फॉरगेट एग्जाम, आई मीन बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफरेंस विथ रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये दो सब्जेक्ट्स रियल समय कॉम्प्लेक्स आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप में होना बहुत ज़रूरी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए। फॉरगेट एग्जाम तो पास करेंगे, नेट जून बहुत अच्छे से पास करेंगे, नेट दिसंबर भी बहुत अच्छे से पास करेंगे, बहुत अच्छा रैंक आएगा आपका। बट अगर ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपने फाइंड नहीं किया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ों को आप थोड़ा सा समझें और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो आने वाली कुछ वीडियोज़ या आने वाली कुछ लेक्चर सीरीज से मैं उस जो आपकी डिफिकल्टी है कॉम्प्लेक्स के लिए प्रयास करूंगा वो दूर हो जाए। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में डिफिकल्टी क्यों आती है पता है, क्योंकि आपका रियल वीक है, रियल एनालिसिस पे आपका कमांड नहीं है। लोग बोलते हैं कि रियल का जरूरत नहीं पड़ता है कॉम्प्लेक्स में, गलत बात। अगर आपको सिक्वेंस के बारे में पकड़ नहीं है यू विल फील डिफिकल्टी, अगर आपको कंटिन्यूटी के बारे में पकड़ नहीं है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सिक्वेंस में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, सिक्वेंस और फंक्शंस में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा ये आपको सजेशन या मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा बहुत रियल पे अच्छा पकड़ होना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एटलीस्ट सम एग्जाम लेवल और फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल बहुत जरूरी है, करेक्ट है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा ढंग से देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये नेट 2018 जून का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को समझते हैं और पार्ट बी का क्वेश्चन है, पार्ट बी का। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एफ इज एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, और कैसा एनालिटिक फंक्शन है, नॉन कॉन्स्टेंट। तो बोला कि कौन सा कंडीशन कैन पॉसिबली सेटिस्फाइड बाई एफ, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन पॉसिबली, देखिए कैन पॉसिबल वर्ड लिखा है, ये बहुत ही डेंजरस वर्ड है, इस पर आपको कमांड होना बहुत जरूरी है। कैन पॉसिबल का मतलब कैन यू गिव सम फंक्शन नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक ऑन दिस ताकि इसमें से कोई एक चीज सेटिस्फाई हो जाए, चलिए। और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, मतलब एक ही ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं, पहला एफ ऑफ 1 बाय n इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1 बाय n इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर, दूसरा एफ ऑफ 1 बाय n इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1 बाय n इक्वल टू 1 बाय 2 n प्लस 1, तीसरा एफ ऑफ 1 बाय n लेस देन 2 टू द पावर माइनस n फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, चौथा 1 बाय √n इज लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ 1 बाय n लेस देन 2 बाय √n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कोई एनालिटिक फंक्शन आप दे सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करे, या इसको सेटिस्फाई करे, या इसको सेटिस्फाई करे, या इसको सेटिस्फाई करे। चूंकि हम लोग पार्ट बी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक ही ऑप्शन सही है, बाकी तीन ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। यही हमें दिमाग में रखना है, चूंकि हम लोग एग्जाम में भी नहीं है तो हमारा गोल होना चाहिए कि इस टाइप की चीज़ों को हम लोग कैसे सीखें, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करें। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ टू थिंक दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसके लिए बस मैं एक ही चीज़ आपको रिकॉल करने वाला हूँ, रिकॉल दैट कि इफ f d to c, if d to c, if this is an analytic function, analytic plus non-constant, then zeros of f are isolated, ठीक है। तो ये थ्योरम है, क्या थ्योरम है, डी का मतलब क्या होता है, यूनिट डेस, जो आप लिखे हो इसी का स्टैंडर्ड नोटेशन डी होता है। एनी स्टैंडर्ड बुक इफ इट फॉलो आइदर इट इज हाल फोर्स और कॉनवे और एनीथिंग, सो ऑन दोस बुक्स दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन। सो इफ दिस इज ए नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन देन द जीरोस ऑफ एफ जो भी होंगे आर आइसोलेटेड, ठीक है ना। तो एक वर्ड है आइसोलेटेड और ये आपको पढ़ते हो जब आप रियल एनालिसिस पढ़ते हो,
आइसोलेटेड का मतलब ऐसा पॉइंट जो लिमिट पॉइंट ना हो किसी चीज का, मतलब उसके अराउंड में यू आर एबल टू फाइंड ए नेबरहुड जिसमें उस पॉइंट को छोड़ के दुनिया का और कोई पॉइंट नहीं हो सकता, वैसे पॉइंट को हम लोग आइसोलेटेड करते हैं। तो आइसोलेटेड है, अलग थलग बैठा हुआ है ना, लिटरल मीनिंग होता है। दोस्तों में कभी बोलते हैं आइसोलेटेड है, मतलब थोड़ा सा अलग हो चुका है, राइट। तो दिस लाइक आइसोलेटेड पॉइंट। सो यही चीज, बस एक क्वेश्चन में यूज कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन, तो यही मैं फैक्ट आपको यूज करने वाला हूँ। चलिए इस फैक्ट की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या ये पॉसिबल है, क्या ये किसी एनालिटिक फंक्शन के लिए, नॉन पॉजिटिव फंक्शन के लिए पॉसिबल है? 1/2 - 1/2 स्क्वायर आ जाए, -1/n और 1/n के वैल्यू वही चीज का स्क्वायर होनी चाहिए। तो मेरा तो इंट्यूशन जिंदाबाद, ये तो बोल ही रहा है z स्क्वायर, f इक्वल टू z स्क्वायर ले लो, टेक f z इक्वल टू z स्क्वायर। सो इफ आई टेक f z इक्वल टू z स्क्वायर इट सैटिस्फाइड, 1/n का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर, हेंस दिस इज ट्रू, इट सैटिस्फाइड। सो एग्जैक्टली वन ऑप्शन बोल रहा है, ये सही हो गया, भाग गए एग्जाम में, बन गए क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन को तो देखना तक नहीं है। एग्जाम हॉल में अगर है, मिल गया आंसर, कैन पॉसिबल सैटिस्फाई, और पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन सही है, बाकी क्वेश्चन के तो देखना भी नहीं है, नो नीड टू सी, करेक्ट है। बट अभी हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं है, अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग हर ऑप्शन पे विचार करेंगे, है ना, हर ऑप्शन पे। सो पहला ऑप्शन, कैन पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, टेक दिस फंक्शन, ठीक है, डन। बट आई लाइक टू गिव एन एक्सरसाइज फॉर फर्स्ट, अगर कोई फंक्शन ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है, डज इट इंप्लाई एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, अगर ऐसा है उसे आप प्रूव करना या फिर आप काउंटर एग्जाम्पल देना। अगर कोई नॉन फंक्शनलिटी फंक्शन है जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो f कितने होंगे, आर देयर फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, या क्या बोल सकते हैं, तो ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ सोचना इस संबंध में, ठीक है। अब मुझे कॉमेंट में बताना कि आपने क्या सोचा है, अगर आपका आंसर सही होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा अनदर वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आइए सेकंड ऑप्शन, क्या कोई एनालिटिक फंक्शन मिलेगा सच दैट कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने से। चलिए पहले हम लोग एक फंक्शन को देखते हैं, जी जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस, इसको जब आप तोड़ोगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जेड बाई टू प्लस जेड, look at this, so this is analytic only because this is analytic because this function fails to be analytic when z plus 2 equal to 0, but z plus 2 is not equal to 0 on this set, this is analytic. And what is g of 1 by n, f of 1 by n, and this f of 1 by n minus 1 by 2n plus 1, and that's nothing but 0 for all n. So, 1 by n पे ये function 0 हो रहा है for all n, और 1 by n कहाँ converge कर रहा है, zeros पे, so g का, zeros का limit point है, that implies zeros of g are non-isolated, isolated नहीं रहे, इसका मतलब g मेरा constant हो जाएगा, that implies g is identically 0, क्योंकि अगर कोई non-constant analytic function होते हैं, तो उसके zeros isolated होते हैं, और ये चीज आइडेंटिकली जीरो हो रहा है, इसका तो लिमिट भी, चूंकि एनालिटिक फंक्शन है तो इसका लिमिट भी जीरो आएगा, हैं जीरोस आर नॉट आइसोलेटेड, सो जी इज आइडेंटिकली कांस्टेंट फंक्शन, एंड व्हाट इज कांस्टेंट वैल्यू, जीरो। तो यहां से जी आइडेंटिकली जीरो होने का मतलब मेरा एफ जेड जो है दैट्स नथिंग बट जेड बाई टू प्लस जेड, अगर ये वैल्यू यहां से ये चीज आती है तो इसका मतलब अब ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ माइनस वन बाई एन यहां से वन बाई टू एन प्लस वन आना चाहिए, बट एफ ऑफ माइनस वन अगर मैं यहाँ पुट करूंगा दिस इज नथिंग बट माइनस वन बाई आपको टू टू एन माइनस वन। सो जैसे नीचे में पॉजिटिव है ऊपर में निगेटिव है और इधर जो आपकी वैल्यू आ रही टू एन प्लस वन, दिस इज कंट्राडिक्शन फॉर ऑल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, हेंस हमें कंट्राडिक्शन मिल गया कि भैया देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन ऑन सी which satisfy this, it's not possible. देखिए इस क्वेश्चन कंसेप्ट को हमने दे दिया फर्स्ट ऑप्शन, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सीखना है, एग्जाम में पूछे या ना पूछे छोड़ो उसको, उसको गोली मारो, आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये चीज है, तो ये चीज आ गई, तो ये हमेशा सही नहीं है, इनफैक्ट कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वो चीज प्रूव करा है,
जब आपके पास प्रूफ चीजें होंगी यू विल बी वेरी कंफर्टेबल. ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज फॉल्स. थर्ड ऑप्शन में क्या है? थर्ड ऑप्शन में पूछा जा रहा है एफ ऑफ मॉड ऑफ 1 बाय, क्या कोई एनालिटिक फंक्शन दे सकते हो जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे. मैं इस चीज को आपके लिए एक्सरसाइज देता हूँ, सेम तरीका सब अप्लाई करना और प्रूफ करना कि नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने दिया हुआ है नॉन कॉन्स्टेंट. अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो फंक्शन मेरा कॉन्स्टेंट आ जाएगा या कुछ कंट्राडिक्शन आएगा. वो कंट्राडिक्शन क्या आएगा, आई लाइक टू लीव दिस एन एक्सरसाइज, प्लीज डू. आप जो कर रहे हो आपको सही लग रहा है कॉमेंट में लिखो कि ये मेरा रीजनिंग है, मुझे अगर अच्छा लगेगा आई अप्रिशिएट इट, अगर नहीं लगेगा मैं अगले वीडियो में बना दूंगा ना, कोई बिग डील नहीं है क्योंकि मैं आने वाले और लेक्चर सीरीज में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और सॉल्यूशन डालने वाला हूँ. कुछ लेक्चर सीरीज भी डालूंगा, होलोमॉर्फिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, लॉरेंस सीरीज, स्क्वार्ट्ज लेमा, ऑल पे सब पे मैं वीडियो बना दूंगा. लेकिन अब तक आप आंसर भी दो, पता होना चाहिए मुझे, है ना, तो उससे क्या होगा हमारा उत्साह भी बढ़ेगा, हमें पता भी चलेगा कि आप कैसे सीख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपके पीछे, क्लियर होना चाहिए. फोर्थ ऑप्शन में क्या है, क्या कोई एनालिटिक फंक्शन आप दे सकते हो जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा. ये भी चीज गलत है, ऐसा एनालिटिक फंक्शन नहीं मिल सकता. कैसे नहीं मिलेगा आई लाइक टू लीव अगेन एज एन एक्सरसाइज, प्लीज फाइंड दैट और टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या सोच है. पहले दो इसको मैंने कर दिया, इसका भी मैंने रीजनिंग आपको दिया, ये दो मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए. आंसर हम लोग कर चुके हैं राइट, बट ये दोनों चीजें करेक्ट नहीं है. क्यों नहीं करेक्ट है मैं चाहता हूँ आप इसको पहले सोचो, मेरे सोचने के पहले. आई हैव गिवन यू द इनफ बैकग्राउंड हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑप्शन 3 and 4. ठीक है, तो ऐसे आप सोचना इस संबंध में और जो भी आपको डिफिकल्टी होगी प्लीज आप बताना सो दैट मैं इसको आगे दूर करता हूँ. ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद, थैंक यू सो मच.